बंद खत्म हो गया या बंद वापस ले लिया आप लोगों ने? हम लोग ने बंद वापस ले लिया है, लेकिन एक एक आपको आपकी जानकारी के लिए दूं रोहित जी, ये बंद हमारे संगठन के माध्यम से नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर करीब करीब 250 संगठन थे और उस उनके साथ में वामपंथी भी थे, महाराष्ट्र लोकशाही आघाड़ी भी थी और जाति निर्मूलन समिति भी थी, कि जिन्होंने एक समिति बनाई थी और समिति के माध्यम से 200 साल पहले पेशवाओं के साथ जो लड़ाई होती, एक सामाजिक लड़ाई हुई थी और सामाजिक आज़ादी में वो जीत गए, उसका उनके स्मृतियों को आदर करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था और उनके कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ने ये ऐलान किया था कि भैया बंद रखेंगे उस पर। ये कार्यक्रम तो हर साल होता है और हर साल बड़ी शांति से हो जाता है, इस साल ऐसा क्या हो गया? ये कर से हाँ, अब इस साल ऐसा था कि आप मान लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर जो आलूतेदार और बलूतेदार जो समाज है, कि जो उस वक्त शिवाजी महाराज के साथ में थे और उन्होंने मिलके ये कार्यक्रम किया था, लेकिन इस बार जो है कि दो संगठन है, एक है संभाजी भिड़े उनका संगठन है शिवाजी प्रतिष्ठान और उसके साथ में मिलिंद एकबोटे है, इनका संगठन का नाम है हिंदू एकता आघाड़ी। इन दोनों ने मिलके जो है जो आ रहे थे लोग उनको मारपीट की, उनकी बस जलाई और उनका सब सामान विमान था वो लूट के ले गए। अब इन्होंने ये क्यों किया इसका पता नहीं, इनका और वो जो 200 साल पहले की लड़ाई हुई थी और जिसको सम्मान करने के लिए लोग आ रहे थे उनको और इनका झगड़ा क्या था ये भी मालूम नहीं। और महाराष्ट्र के अंदर 1 तारीख को घटना हुई, ना पुलिस उनको पूछती थी, ना मीडिया में उसका कोई अखबार में न्यूज़ आई, तो लोगों में एक तरफ का गुस्सा आया और भी हमको रिकॉग्नाइज नहीं भी किया जा रहा है और वही रिकॉग्नाइज की वजह से ही कल जो है वो ऊटपटांग की बातें जो महाराष्ट्र में पूरी बात हुई, जब हमारे ध्यान में आया कि ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो दोबारा हम लोगों ने उस संगठन की बैठक ली और संगठन के बैठक में ये निर्णय लिया कि 1 दिन का बंद ये होगा। तो सवाल यही है यहाँ पर कि महाराष्ट्र की सरकार इस पर रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी। कल हमने ये मांग किया है प्रकाश जी, आपने खुद कह दिया कि कल ऊटपटांग चीजें हुई, बोटे और संभाजी भिड़े के नेतृत्व में लोगों को इकट्ठा, आपने खुद कह दिया कल ऊटपटांग चीजें हुई। देखिए कल का जो है वो रिएक्शन है, मैं मान के चलता हूँ कि ऊटपटांग बात हुई है, मान के चलता हूँ। नहीं तो सर उससे रिकॉग्निशन मिल गया क्या, जो आप कह रहे हैं कि रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा कि इसमें हुई, लेकिन एक बात मान, सवाल यह है कि उनको मारा गया, पीटा गया, उनकी बस जलाई गई, उनकी गाड़ियां जलाई गई, कुछ लोग हॉस्पिटल में हुए, सीधे तरीके से FIR भी दर्ज नहीं हुआ, पुलिस वहां पर हाजिर हुई होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, आग लगा देंगे, करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, बसों में आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, आप उनको इग्नोर करते जा रहे हो, कानून की व्यवस्था है या नहीं है, तो सीधी बात है। ऐसा है कोई अभी यहाँ पर जो है किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं और किसी की बात दबाने के लिए तैयार नहीं है, आप कानून है कानून के मुताबिक चलिए। उनकी सीधी मांग थी भैया इन्होंने हमारा सामान तो लूटा है, गाड़ियां चलाइए, आप इनको अरेस्ट कर दीजिए, FIR दर्ज कर दीजिए, FIR भी दर्ज नहीं हो रहा तो वो क्या रिएक्ट करेगा, आप समझते कि वो ये मार जाए और मार खा के ले ले, ये पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई, अब दुनियादारी बदल चुकी है, यहाँ के कुछ लोग हैं उन्होंने भी अपनी विचार बदलना चाहिए, क्योंकि nobody is going to take lying down in this country। तो आप इसको जायज ठहरा रहे हैं, उन्होंने दिखा दिया, आप जायज ठहरा रहे हैं, नहीं बीच में आते तो शायद मेरे ख्याल से आधी बंबई कल ही मेरे ख्याल से जल के खाक हो जाती। तो आप जायज ठहरा रहे हैं इसको, हमारी वजह से बंबई बच गई आज, और जो आग लगी वो आपकी वजह से नहीं, जायज ठहरा रहा हूं क्योंकि यहाँ की व्यवस्था उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे पूछूं अगर आपको किसी ने मर्डर किया तो आपका लड़का चुपचाप बैठेगा, मर्डर कर देगा जवाब में जाके, वो पुलिस में भागेगा नहीं, कार्रवाई नहीं मांगेगा, तो कार्रवाई मांगने का तरीका ये है। मैं यही पूछ रहा हूं कि आपका लड़का रिएक्ट क्या सर करेगा, मैं यही तो पूछ रहा हूं, यही तो मैं भी पूछ रहा हूं आपसे सर, आपकी लड़का क्या सर करेगा, मैं यही तो पूछ रहा हूं, नहीं मांगेगा, मैं तो कह रहा हूं सर कानूनी कार्रवाई मांगने के लिए, जिसने मारा क्या आप आग लगा देंगे, शहर को बंधक बना देंगे, समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
मैं आपसे वही समझ, आप समझाने की बजाय आप गुस्सा हो रहे हैं सर। मेरा सवाल इस तरह का है नहीं कि आपको गुस्सा होना पड़े। देखिए एक मान लीजिए आप तो बंद कॉल ऑफ कर लिया आपने, तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है सर। एक गुस्से का इजहार आप कर चुके हैं सड़क। मैं गुस्से की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस पर अन्याय हो रहा है अगर तुम उस अन्याय का निवारण नहीं करोगे तो वो रिएक्ट जरूर करेगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी भावना से उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपना न्याय मांगेगा, अगर न्याय मिला तो वो अपनी तरीके से न्याय लेगा। वो तो फिर कॉल ऑफ क्यों कर लिया? बंद रहते बंद पर शाम तक रहते दुकानें खुल गई थी तो आपका हौसला टूटने लगा था क्या? या आपको पता लग गया था कि आपका बंद हाईजैक कर लिया पार्टियों ने? मेरे ख्याल से दिल्ली में बैठ के तानाशाही मत करिए, या वहां पर बैठ के, यहाँ कोई दुकानें ना खोली थी ना बसें चल रही थी ना कुछ था, हम लोग नहीं यहाँ पर कॉल किया तब अभी खुल रही है। सर दोपहर से मुंबई शहर में दुकानें खुली में बैठ के तानाशाही नहीं चलती। सर दोपहर से मुंबई शहर में दुकानें खुलने लगी नहीं होती, ये गांव के लोग जो है राजनीति करते हैं और वही उसकी तय करते हैं। ना ना मैं यही कह रहा हूँ सर, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया जो है पहले मिनट से लगातार लाइव रिपोर्टिंग हम दे रहे हैं सर। हर शहर हर जगह से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर। जब बस के पहिए पंक्चर करने की तस्वीर दिखाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है सर, लेकिन दुकान का ताला खुल रहा है अगर मैं ये बता रहा हूँ आपको तो आप नाराज हो रहे हैं सर। इसमें नाराज होने की बात नहीं है सर, गलत बताया लोगों ने प्रकाश, इसको हकीकत मान लीजिए प्रकाश जी। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं आपका आपको आईना दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आपके आईने में आपको क्या सर, मैं तो कैमरा के सामने बैठा हूँ, सब कुछ दिख रहा है मुझे, खुद मुझे आपके आईने की दरकार नहीं है। मेरे सामने कैमरा लगा है सर, वापस देख पा रहा हूँ मैं अपने आपको, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सब चीजें जो आप देखना नहीं चाह रहे, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं आपको अच्छा लगे या बुरा हम तो यही करेंगे। आप गुजरात के आईना को देखो सर, मत सिखाओ सर, हम लोग राजनीति में नहीं है सर। देखिए हम लोग राजनीति में नहीं है, आपको लगता है आप राजनीति के मोहरे बन रहे हैं, तो हम लोग को सामाजिक आंदोलन वालों को राजनीति की नहीं, मैं जानता हूँ आपको जाना है, राजनीति की फिक्र रहती है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपका गुजरात में आईना जो दिखाया वो गलत था। आखिरी सवाल मान के चलिए, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है थैंक यू। क्या आपको लगता है आप मोहरे बन रहे हैं राजनीति के? चलिए शायद उनको आवाज जानी बंद हो गई। प्रकाश अम्बेडकर वो कह रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ और यही तरीका होगा, अगर न्याय नहीं मिलेगा, अगर इंसाफ के लिए सुनवाई नहीं होगी।